वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रजनी सचदेवा। मैंने कल जो वीडियो बनाई थी वो इस चीज़ पे बनाई थी कि पत्नियों को अच्छा कैसे बनना चाहिए। ऐसे टिप्स बताए थे कि पत्नियां पतियों के दिल में कैसे राज करें। लेकिन बात यही है ना कि जब अगर पत्नी अच्छी है तो पतियों को भी तो बराबर का अच्छा होना चाहिए। तो मेरे पास बहुत कमेंट है कि आप पति के ऊपर भी बनाओ कि पति भी हमारे लिए केयरिंग हो और हमारे लिए अच्छे हों। तो मैं उसी के आपको टिप्स देना चाहती हूँ, क्योंकि पत्नियाँ भी अपना पूरे माँ बाप सब कुछ छोड़ के, पूरी फ्रेंड्स छोड़ के, पूरे बहन भाई छोड़ के दूसरे घर में एक अपने हस्बैंड के लिए आती हैं। और यदि हस्बैंड का प्यार का हाथ अपनी पत्नी के सिर पे फिर जाता है और वो उनको समझते हैं तो उनको सारे जहान की खुशियाँ मिल जाती हैं। तो यही मैं आपको टिप्स बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से सीक्रेट टिप्स होते हैं जो कि एक हस्बैंड वाइफ के लिए करना चाहिए और एक हस्बैंड बहुत अच्छा पति बन के दिखाए, जैसे कि पत्नियों के लिए मैंने आपको बताया। एक टिप है रिस्पेक्ट। हर कोई आजकल सम्मान का भूखा होता है, प्यार का भूखा होता है। यदि पत्नी आपको पूरा रिस्पेक्ट दे रही है तो पति की भी ये बनती है कि वो भी अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करे, उसकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करे, उससे प्यार से बात करे। क्योंकि रिस्पेक्ट ही ऐसी चीज़ होती है जो प्यार को इधर से इधर बढ़ा देती है। तो हर पति का फर्ज बनता है कि अपनी पत्नी को वो बहुत रिस्पेक्ट दे। एक टिप है, आप उसके सबसे अच्छे फ्रेंड बने, चाहे हस्बैंड वाइफ, एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है लेकिन एक दोस्ती जो होती है वो इतनी प्यारी होती है, इतनी प्यारी होती है कि हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर कर पाए। यदि आपके मन में कुछ भी है, यदि आपको कुछ भी बुरा लग रहा है, आप उससे सारी बातें शेयर कर पाए, चाहे वो आपके मायके की हो या आपके दिल की हो या कोई भी बात हो, तो वो उससे आपसे खुल पाएगी, वो आपसे पूरा प्यार का इजहार कर पाएगी। क्योंकि दोस्ती जैसा रिश्ता तो कोई होता ही नहीं है। एक टिप है, आप उसकी भावनाओं की कदर करें। यदि आप उसकी भावनाओं की कदर करेंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि क्या होता है, कोई नॉनवेज नहीं खाती और आप उसके सामने बैठ के नॉनवेज खा रहे हैं, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जो उसकी भावनाएं हैं आप उसको समझो, क्योंकि एक हस्बैंड है जो उसकी भावनाओं को समझ सकता है। यदि आप उसकी भावनाओं की कदर करेंगे, उसको समझेंगे, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और आपका ये रिश्ता जो होगा वो बहुत लंबा चलेगा। और जो पत्नी है वो भी आपकी दिल से करेगी आपकी, तो इसलिए उनकी भावनाओं की कदर करना बहुत जरूरी है। एक टिप है कि प्रोटेक्टिव बने। आप अपनी पत्नी को बताओ कि आप उससे कितना प्यार करते हो, आप उसका अपमान सहन नहीं कर सकते। यदि आप प्रोटेक्टिव बनेंगे और उसको आप बहुत प्यार करेंगे, यदि कोई अपमान करे, उसका मजाक बनाए, तो आप उसके साथ हमेशा खड़े रहे, तो देखो पत्नी आपको कितना प्यार करेगी और उसका प्यार जो है वो और बढ़ जाएगा, उसकी नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी। यदि कोई भी दोस्त या कोई भी आपके घर का कोई भी बोले उसके लिए, तो आप उसके साथ हमेशा खड़े हुए मिले, उसके लिए अपना प्यार इजहार करें। अपने आप को फिट रखना ये भी बहुत जरूरी होता है। कई जेंट्स क्या करते हैं कि अब तो मैरिज हो गई, अपनी तरफ ध्यान देना छोड़ देते हैं, लेकिन अपने लुक को बिल्कुल परफेक्ट रखना चाहिए, अपने ड्रेसिंग सेंस को स्मार्ट बना के रखना चाहिए। इससे जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें रोमांस सा कम हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने फिटनेस पे ध्यान दो, अपने लुक्स पे ध्यान दो और अपने शरीर की देखभाल करो। अपने प्यार को जताएं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप होता है। क्या होता है, लेडीज़ तो इमोशनल होती हैं, उनको वो अपने इजहार कर देंगी, लेकिन जो जेंट्स होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते, वो दिल से प्यार करते हैं लेकिन वो अपने मुंह पे ये बात आने नहीं देते। तो लेकिन अपने प्यार का इजहार करो, समय समय पर उनको बताओ कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। तो अपने प्यार का इजहार करना चाहिए, इसमें भी लेडीज़ को बहुत अच्छा लगता है और उनका दिल खुश रहता है। एक टिप है, उन्हें पत्नियों को सपोर्ट करना चाहिए। अब क्या होता है कि कुछ पत्नियां शादी के बाद जॉब करना चाहती हैं, तो आप उनका एक भावनाओं को समझो, उनको सपोर्ट करो। यदि कोई आगे पढ़ना चाहती है, यदि कोई बिजनेस करना चाहती है, यदि वो समाज में आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि एक हस्बैंड ही होता है जो उसकी भावनाओं की कदर कर सकता है, उसके साथ खड़ा हो सकता है। यदि आप सपोर्ट करेंगे तो दुनिया भी उसका मजाक नहीं बनाएगी और वो दुनिया के सामने एक मिसाल बन के दिखाए अपनी पत्नी का। हर पल हर जगह पे अपनी पति को उनका सपोर्ट करना चाहिए।
एक टिप है, उनकी कमियों को स्वीकार करो। कई बार हर किसी में परफेक्शन नहीं होता, कुछ हमारे में कमी है तो कुछ पत्नियों में भी कमी होगी, तो अपन एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करें। आप उनको प्यार से बैठ के बताओ भाई तेरी में ये कमी है, इसका हम हल निकालेंगे, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, फिर वो भगवान ही क्यों नहीं होगा। कुछ कमी पति में होंगी तो कुछ कमी पत्नियों में होंगी, तो इस चीज़ को क्या करो कि बैठ के आपस में बताओ कि तेरे में ये कमी है, तो इसको सुधार, तो हल निकलेगा। हर चीज़ का हल है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, तो पत्नी की कमियों को स्वीकार करो और उसका सॉल्यूशन ढूंढो। रोमांस को जिंदा रखें। क्या होता है जब हमारी मैरिज को ज्यादा टाइम हो जाता है तो ये रोमांस लाइफ में खत्म हो जाता है, तो ऐसा ना करें। जैसे कि पत्नी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, वैलेंटाइन डे हो, उनको लाके गिफ्ट करो, उनको कुछ कुछ दो, फूल दो चाहिए, तो ये हमें जिंदगी में कभी रोमांस खत्म नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी जिंदगी बहुत खुशहाल सी लगती है। तो मैंने जो ये आपको टिप्स बताए हैं, आप इन टिप्स को करके देखो, अपनी जिंदगी में फॉलो करके देखो, तो हस्बैंड वाइफ का क्या रिश्ता निभेगा। तो अगर आपको मेरे ये टिप्स पसंद आए हो कि पति कैसे पत्नियों के दिनों में राज कर सकता है, तो वो आप टिप्स फॉलो करके हस्बैंड वाइफ की लाइफ को बहुत अच्छा बनाओ, और ज्यादा से ज्यादा इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। सीक्रेट ऑफ गुड वाइफ्स का मेरा मतलब ही यही है कि आप अपनी जिंदगी में कैसे खुशहाली ला सकते हैं। जितनी आप ये टिप्स को फॉलो करोगे, उतनी ही आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। और यदि आप तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सीक्रेट ऑफ गुड वाइब्स को सब्सक्राइब करो और उसके बेल आइकन को दबाना ना भूलना, जिससे कि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे और आप इसको फॉलो करो।